सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। और स्काउट भाई का जो स्ट्राइक था वो हट चुका है, एंड आज लाइव स्ट्रीम भी किया था, एंड स्नेल गेमिंग आपको बता ही रहेगा। सो स्नेल गेमिंग पे स्काउट भाई ने रिएक्ट किया है, एंड आपको ये वीडियो में टीम एक्स पार्क और गॉड लाइक का लास्ट जोन फाइट देखने को मिलने वाला है। सो अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ, मुँह से बात करेंगे। और रहिए, लिमिट में पुश मत कर देना चीज़ों को, जहाँ पे मुझे वो वाला रास्ते वापस आना पड़े। हेल्प स्नेहल भाई, हेल्प कर देंगे मेरे भाई को। स्नेहल अपना भाई है, उसका मैं कंटेंट में उसके सारे वीडियोस देखा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सच है, मैक्सिमम चीज़ें सच होती, काफ़ी उसके फैक्ट सही होते हैं। आई थिंक वो एक वही वीडियो जो भाई वो अकेला बंदा जो मसीहा बन के बैठा है कम्युनिटी का, बाकी लौंडे तो भाई मैं नहीं पता। इतने बड़े बड़े चैनल लेके बैठे लोग, कोई वीडियो बनाता नहीं है, न्यूज़ चैनल कुछ कवर अप करते नहीं है, तो मैं स्नेहिल का एक प्रॉपर चैनल देख खोल के बैठ जाता हूँ कि भाई चलो जो हो रहा है कमेंट में सच चीज़ तो देखेगा, गलत गलत सही सही। सिक्स आवर्स कौन है मेरे को नहीं पता, मोस्टली ड्रीम्स होगा वो अगर वो कंप्लीट कनेक्शन बनाज लेता है, लेकिन सारंग ये कहां रुक रहे, डूम को डाउन करेंगे, कौन से को डाउन किया जाएगा, क्यों या को डाउन कर दिया जाएगा, गॉड है ये प्लेयर का। तो और वहीं पे देखते देखते मैं भी स्पोर्ट बिखरती हुई नजर आ रही है, टुकड़ों में बिखर रही है, एक साइड से टीम पाक उनको टारगेट कर रही है, एक साइड से आपको निकाल चुकी है। क्या ये दिन का दूसरा होगा या फिर ये चिकन डिनर कोई और निकाल के जाएगा। चार टीमें रेकनिंग यहाँ से बाहर, नुअम यहाँ पे बाहर, यानी कि तीन टीमें हमारे सामने देखने को मिलेगी, और मेडल का वो आखिरी खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा। तीन टीमें है टीम एक्सपा के पास नंबर एडवांटेज, बट लेट्स सी रावण कौन निकाल के जाएगा विनर विनर चिकन डिनर। लेकिन सर्कल के एडवांटेज की बात करें तो एक्सपा के पास ऑलमोस्ट हल्का सा मैं देख पा रहा हूँ, चार खिलाड़ी सर्वाइव करें, मोमेंटम इनके पास भी है, 13 I think 11 फिनिशर्स यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये तो अपने काम बखूबी निभा रहे हैं, बड़ी चिंता नहीं कर रहे। मेक श्योर गाइस जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया आप लाइक कर दें, 30,000 सब्सक्राइबर के बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन जोनाथन सिक्स आवर को डाउन करते हैं, आदित्य को बहुत ज्यादा डैमेज देने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अभी भी अपने इरादों में कामयाब हुए नहीं क्योंकि मिड रेंज की बैटल है। सिक्स आवर को बड़े आराम से वहां पर रिवाइवल मिल जाने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट रहेगी कि सर्कल थोड़ा सा तो आगे आना है एक्सपा को, और ये उनके लिए बहुत बुरी खबर होने वाली है क्योंकि एक्सपावर गेट की कवर में है, खड़े होकर स्प्रे कर रहे हैं। जोनाथन वहां पर कोशिश होती है, इसी तरीके से रिवील होगी नहीं, और अब आप देखें तो मेडल स्पोर्ट्स का एलिमिनेट होना, यहाँ पे बचे केवल दो खिलाड़ी। जोनाथन जो ट्राई कर रहे थे अब उनके ऊपर कंधों पे पूरा पूरा भार आता भाई, चौथा प्लेयर ट्राई तो कर रहे लेकिन सर्कल के बाहर थे प्लस।